कार्डो चैप्टर नंबर 11 एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास तीन तरह से हो सकती है, चार मैकेनिज्म के जरिए बैक्टीरिया जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है। या तो वो हमारे पास ड्रग को ही इनएक्टिवेट कर दे, जैसे बीटा लैक्टामेसेस वगैरह प्रोड्यूस करके जो कि पेंसिलिन और सेफलोस्पोरियंस वगैरह को डिग्रेड कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं बाय क्लीविंग बीटा लैक्टम रिंग। और उसके अलावा हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो मॉडिफाइड टारगेट्स बना ले जिससे हमारे पास उसका इफेक्ट जो है ड्रग का रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जांपल म्यूटेंट प्रोटीन 30S राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो रेजिस्टेंस करा देती है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एथ्रोमाइसिन के लिए 23S। बैक्टीरिया जो है वो अपनी परमेबिलिटी को रिड्यूस कर ले जिससे ड्रग इफेक्टिव ना रहे वैसे जैसे पहले थी, और ड्रग जो है वो सेल के अंदर ना जा सके इससे हमारे पास पोरिन जैसे पोरिन के अंदर चेंज पोरिन्स जो होते हैं वो चैनल होते हैं ग्राम नेगेटिव के अंदर होते हैं, इससे जो है वो पेनिसिलिन की अमाउंट जो सेल के अंदर एंटर हो रही है वो चेंज हो जाएगी। चौथी चीज़ क्या है, बैक्टीरिया एक्टिवली एक्सपोर्ट करेंगे ड्रग्स को यूजिंग अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पम्प MDR या ईफ्लेक्स पम्प। इससे हमारे पास जो है वो टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह जो हैं और फॉरेन मॉलिक्यूल्स के खिलाफ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाएगा। चार तरीके क्या हैं, या तो ड्रग को इनएक्टिवेट कर दे, या फिर हमारे पास ड्रग टारगेट को मॉडिफाई कर दे, ड्रग की परमेबिलिटी को रिड्यूस कर दे, या फिर ड्रग की एक्सपोर्ट को ज़्यादा कर दे। एक्सपोर्ट किससे ज़्यादा होगी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पम्प से MDR पम्प परमेबिलिटी रिड्यूस होगी पोरिन के अंदर म्यूटेशन से। ड्रग टारगेट कैसे होगा, डिफरेंट पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कोई म्यूटेशन प्रोटीन LNN वगैरह को रिप्लेस करके DNA गायरेज RNA पॉलीमरेज वगैरह को करके और बीटा लैक्टामेस के साथ क्लीवेज करा के इनएक्टिवेट करेगा ड्रग को। बीटा सेफलोस्पोरिन पेंसिलिन से ऐसे आएगी, पेंसिलिन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और टेट्रासाइक्लिन हमारे पास लास्ट की एग्जांपल आ जाएगी। ज़्यादातर ड्रग रेजिस्टेंस आती है हमारे पास जेनेटिक चेंज की वजह से, जेनेटिक चेंज है वो म्यूटेशन की वजह से आ सकते हैं, या फिर हमारे पास प्लाज्मिड या ट्रांसपोज़ोम जो जंपिंग जीन्स थे हमने पढ़े उनकी वजह से आ सकती है, या फिर प्लाज्मिड की वजह से। हाई लेवल रेजिस्टेंस कैसे आ सकती है, जो कि हमारे पास DNA के अंदर चेंज से आएगी, और लो लेवल को हम हाई लेवल DNA के चेंज की वजह से आएगी, और लो लेवल जो है वो प्लाज्मिड वगैरह चला गया उसके अंदर उससे आ जाएगी। हाई लेवल को ओवरकम नहीं किया जा सकता बाय यूजिंग ड्रग, लो लेवल को इंक्रीजिंग द डोज ऑफ एंटीबायोटिक उससे ओवरकम किया जा सकता है। ज़्यादातर तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हैं, स्पेशली स्टेफ ऑरियस इंटायरिक ग्राम नेगेटिव रॉड और एसर्शिया क्लाइसोडोमोनास वगैरह ये हमारे पास जो है ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। ये हमारे पास कुछ केमिकली क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो कि ड्रग रेजिस्टेंस देते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टेफ ऑरियस जो है ये पेंसिलिन जी, स्ट्रेप्टोकोकस नमूना है पेंसिलिन जी, और एंटेरोकोकस फेकलस यानी कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है ये पेंसिलिन जी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। नाइजीरिया गनोरिया भी पेंसिलिन जी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। एच इन्फ्लुएंजा सुडोमोनास एरिग्नोजा और एंटोबैक्टेरिया ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ये बीटा लैक्टम अमाइनोग्लाइकोसाइड और एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये हमारे पास, और माइकोबैक्टीरियम एवियम ये आइसोनियाजिड और रिफैम्पिन के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं। जेनेटिक बेसिस क्या है कि क्रोमोसोमल मीडिएटेड होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर ही हमारे पास कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए जिसकी वजह से हमारे पास ड्रग जो है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़राब हो जाए मेम्ब्रेन का, या ड्रग का टारगेट चेंज हो जाए, इसकी वजह से ये म्यूटेशन जो है ये 10^-7 से 10^-9 विच इज़ मच लोअर दैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। इसीलिए हम क्रोमोसोमल रेजिस्टेंस जो है वो लेस क्लिनिकल प्रॉब्लम है दैन द प्लाज्मिड रेजिस्टेंस। इसके बाद आती है प्लाज्मिड मीडिएटेड रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड मीडिएटेड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट स्पीशीज में हो सकती है, स्पेशली ग्राम नेगेटिव रॉड में। मीडिएट रेजिस्टेंस टू द मल्टीपल ड्रग, बहुत सारी ड्रग्स के अगेंस्ट हो सकती है, और हाई रेट होता है इसका ट्रांसफर के अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस प्लाज्मिड के अंदर होता है। रेजिस्टेंस फैक्टर या आर फैक्टर जो कि प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल जिसके अंदर डिफरेंट एंटीबायोटिक को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स होते हैं और मॉडिफाई करा देते हैं मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। आर फैक्टर यानी कि रेजिस्टेंस प्लाज्मिड वाला जो फैक्टर है, इससे कौन कौन सी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। पेंसिलिन और सेफलोस्पोरिन जो है वो बीटा लैक्टामेस को क्लीव करेंगी, बीटा लैक्टामेस प्रोड्यूस करेंगी। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो एसिटाइलेशन वगैरह कराएगी। क्लोरैम्फेनोल जो है वो एसिटाइलेशन। रेथ्रोमाइसिन जो है वो रिसेप्टर के अंदर चेंज करेगी बाय मिथाइलेशन।
टेट्रासाइक्लिन जो है वो रिड्यूस और इंक्रीज, यहाँ तो अपटेक रिड्यूस कर देगी, यहाँ एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देगी, और सल्फोनामाइड जो है वो हमारे पास एक्टिव एक्सपोर्ट आउट कराएगी सेल से। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, ट्रांसपोजोन मीडिएटेड। ट्रांसपोजोन्स क्या हैं, जंपिंग जीन जो कि डीएनए के एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं। अब इन जीन के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो ट्रांसपोजेसेस होते हैं जो कि एंजाइम्स हैं एक्सीजन और री इंटीग्रेशन वगैरह कराते हैं, दूसरा रिप्रेसर्स होते हैं जो कि हमारे पास ट्रांसपोजेसेस की एक्सप्रेशन को रेगुलेट कराते हैं, और ड्रग रेजिस्टेंस जीन होते हैं इनके अंदर। नॉन जेनेटिक बेसिस क्या है हमारे पास, जेनेटिक बेसिस हमने देख लिया कि डीएनए होता है, प्लाज्मा ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसपोजोन्स हो सकते हैं। नॉन जेनेटिक बेसिस क्या है कि बैक्टीरिया वॉल ऑफ कर सकते हैं अपने आप को एब्सेस कैविटी से, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो पेनिट्रेट नहीं करेगी। दूसरा बैक्टीरिया जो है वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर हो सकते हैं कि वो ग्रो ही नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से सेल वॉल इनहिबिटर्स पेनिसिलिन सेफलोस्पोरिन एक्ट ही नहीं करेंगे उनके ऊपर। और सर्टन कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया जो है वो अपनी पेनिसिलिन कैन लूज द सेल वॉल, और उससे ये सिर्फ बैक्टीरिया जो है प्रोटोप्लास्ट के तौर पर हमारे पास रह जाते हैं। इसके अलावा चौथा मेथड ये है कि फॉरेन बॉडीज़ को इस तरह की हों जो इसको एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट एंड को सक्सेसफुल कराने में नाकाम कर रही हूँ, उसके अंदर कुछ फॉरेन बॉडीज़ ऐसी हों, सर्जिकल इम्प्लांट के थेटर वगैरह। इसके अलावा सेवरल आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस हों जो कि हमारे पास कैन मेक इट अपेयर दैट ऑर्गेनिज्म आर रेजिस्टेंट, ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट और रॉन्ग ड्रग रॉन्ग डोज, ये चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं। कुछ रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास डॉक्टर्स की मिसयूज़ या ओवर डॉक्टर्स की बिहेवियर की वजह से आती है, डॉक्टर जो है वो ओवर यूज़ या मिसयूज़ कराता है एंटीबायोटिक का। बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं जनरल पब्लिक के लिए, तो जनरल पब्लिक ऐसे मुँह उठा के यूज़ करना शुरू कर देती है एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स जो है वो एनिमल फीड के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। फिजिशियन ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी और एनिमल फीड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर भी रेजिस्टेंस है। एंटीबायोटिक टेस्ट करने के लिए हम एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन देखते हैं, वो कंसंट्रेशन लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो लोएस्ट कंसंट्रेशन जिस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी उसको हम मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कहेंगे। इसके लिए हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे एटलीस्ट 18 आवर्स के लिए इनक्यूबेट करते हैं, और लोएस्ट कंसंट्रेशन जिस पे ड्रग की विजिबल ग्रोथ हो ऑर्गेनिज्म की उसको हम कहते हैं मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक डिस्क लगा देते हैं, लाइक बैक्टीरियल कॉलोनी अगर हमने ग्रो की हुई है ना, तो डिफरेंट नोवोबाइसिन वगैरह या ऑगमेंटिन वगैरह की डिस्क लगा देते हैं। अगर हमारे पास जोन ऑफ ग्रोथ इनहिबिशन बनी है तो इसका मतलब है ड्रग इसके लिए सेंसिटिव है, और अगर नहीं बनी तो ड्रग जो है वो रेजिस्टेंट है। इसके अलावा होती है मिनिमल बैक्टेरिया सीडल कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन इस पर आधी पॉपुलेशन जो है बैक्टीरिया की वो हमारे पास डेड हो जाएगी MBC। इसके अलावा हमारे पास होता है सीरम बैक्टेरिया सीडल एक्टिविटी, एंडोकार्डिटिस के अंदर हम जो है पेशेंट का सीरम लेते हैं और उसके अंदर एक्टिविटी चेक करते हैं कि उसके अंदर एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म को किल करने की या नहीं। और बीटा लैक्टामेज प्रोडक्शन कुछ जो है बैक्टीरिया स्वेयर इन्फेक्शन स्टेफोरियस एंड इन्फ्लुएंजा, ये हमारे पास उनको देखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बीटा लैक्टामेसिस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इनको हम बीटा लैक्टामेसिस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बो के अंदर एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बो के अंदर एंटीबायोटिक सीरियस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे, साइनर्जिस्टिक इनहिबिटरी इफेक्ट देने के लिए, या फिर हमारे पास रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए।